Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn 5 phrase words. That's very important for speaking English well, friends. आज के इस वीडियो में हम जो वर्ड सीखने जा रहे हैं और खूबसूरत अंग्रेजी बोलने के लिए ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं कि कैसे आप इसको यूज करेंगे और इनका क्या सेंस होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है ओपन आर्म्स। ओपन आर्म्स का मतलब होता है कॉर्डियली, यानी बड़ी मोहब्बत से या बहुत प्रेम से। जैसे अगर आपको कहना हो फ्रेंड्स, वह बहुत मोहब्बत से मुझे स्वागत किया यानी इस्तकबाल किया, कैसे कहेंगे फ्रेंड्स? आप कहेंगे सी वेलकम्ड मी विद ओपन आर्म्स, यानी वह बहुत मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल की, यानी वह बहुत प्रेम से मेरा स्वागत की। दे रिसीव्ड मी विद ओपन आर्म्स, वे लोग बहुत मोहब्बत से मुझे लेने आए, यानी वे लोग बहुत प्रेम से मुझे रिसीव करने आए। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो बहुत मोहब्बत से या बहुत प्रेम से, तो आप कहेंगे ओपन आर्म्स। आइए फ्रेंड्स दूसरा वर्ड देखते हैं। हमारा दूसरा फ्रेंच वर्ड है वंस एंड फॉर ऑल, जिसका मतलब होता है फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए या सदा के लिए। अगर आपको कहना हो फ्रेंड्स, वे लोग हमेशा के लिए शहर छोड़ दिए, तो आप कहेंगे दे लेफ्ट द सिटी वंस एंड ऑल। अगर आपको कहना हो फ्रेंड्स, मेरे दोस्त मुझे हमेशा के लिए छोड़ गए, तो आप कहेंगे माय फ्रेंड्स लेफ्ट मी वंस एंड फॉर ऑल, यानी मेरे दोस्त सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ गए या मुझसे दूर हो गए। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो हमेशा के लिए या सदा के लिए, फॉर एवर, तो आप यूज करेंगे वंस एंड फॉर ऑल। और हमारा तीसरा फ्रेंच वर्ड है फ्रेंड्स नैरो स्केप। हमें अपनी डेली लाइफ में अक्सर ये वर्ड यूज करने को मिलता है। जैसे हम कहते हैं मैं बाल बाल बच गया, तो जब हमको कहना हो कि बाल बाल बच जाना, तो हम कहते हैं नैरो स्केप। जैसे वह उस हादसे में बाल बाल बच गया, He had a narrow escape in that accident. यानी उस एक्सीडेंट में वह बाल बाल बच गया। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो पैसेंजर सड़क हादसे में बाल बाल बच गए, तो आप कहेंगे The passenger had a narrow escape in the road accident. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप समझ गए होंगे कि बाल बाल बच जाने के लिए आप नैरो स्केप का यूज करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि चौथा फ्रेंच वर्ड क्या है। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है कि हर मुमकिन कोशिश करना, यानी अगर उम्मीद की एक भी रोशनी नजर आए तो कोशिश कर लेना। अगर आपको कहना हो फ्रेंड्स वह अंग्रेजी बोलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो आप कहेंगे सी इज मूविंग हेवन एंड अर्थ टू स्पीक इंग्लिश। मैं महान बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता हूं, तो मैं कहूंगा आई मूव हेवन एंड अर्थ टू बी ग्रेट। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो कि हर मुमकिन कोशिश करना या टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, यानी जो कुछ भी पॉसिबल है उसको कर लेना, तो आप यूज करेंगे मूव हेवन एंड अर्थ। आइए फ्रेंड्स आज का लास्ट फ्रेंच वर्ड देखते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी या तो भी, क्योंकि यह मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। लेकिन फ्रेंड्स फ्रेंच वर्ड नेवरदलेस का वही मीनिंग होता है जो मीनिंग नेवरदलेस का होता है, यानी आप नेवरदलेस के जगह पर नेवरदलेस का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा फिर भी। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दो आई हैव नो मनी नेवरदलेस आई शैल हेल्प यू। तो फ्रेंड्स, जहां आपको कहना होता है तो भी या फिर भी, तो आप यूज करते हैं नेवरदलेस, और आप नेवरदलेस के जगह पर नेवरदलेस का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये 5 फ्रेंच वर्ड्स आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, शेयर जरूर कीजिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।